वेलकम गाइज, आज का हमारा सेशन है फाइंड रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करना। जब इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो इन सारे अंकों को जोड़ करके 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम सिर्फ 5 से भाग करेंगे, कोई भी अंक हो जब हमको इन सबको जोड़ना है, जोड़ने के बाद कोई भी अंक से हमको भाग करना है और भाग करने के बाद क्या शेषफल आएगा जी हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जब इन सबको जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इन सबको गुना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इन टाइम को बचाने के लिए, कम करने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है, शॉर्टकट मेथड बनाया गया है, ठीक है। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो कैसे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, कैसे आंसर ज्ञात करेंगे इसका, रिमाइंडर कैसे ज्ञात करेंगे, शेषफल कैसे हमको ज्ञात करना है। तो करना क्या है हमको, देखिए यहाँ पर करना क्या है, ऊपर वाला जो सभी अंक है उन सब में 5 से बारी बारी से भाग करना है और देखना है कि शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ पर जब 5 से भाग करेंगे 37 में तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। शेषफल 2 आएगा तो 2 क्या करेंगे, हम ऊपर लिख लेंगे यहाँ पर शेषफल 2, ठीक है। इसी प्रकार जब 5 से भाग करेंगे 66 में तो शेषफल कितना आएगा, 1 यहाँ पर शेषफल आएगा। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 1 शेषफल आएगा, ठीक है। यहाँ तो हमको मालूम चल गया कि सभी अंकों में जब 5 से भाग किए तो शेषफल कितना, ऊपर में हम शेषफल लिख लिए जो हमको शेषफल आया। अब क्या करना है, इन सब को जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह के अनुसार हमको क्या करना है, यहाँ पर भी ऊपर में भी क्रिया करना है। यहाँ पर प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो यहाँ पर भी सबको हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। तो 2 1 3 होता है, 3 2 5 होता है, 5 2 7 होता है, 7 1 8 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया हमको, 8/5 आ गया, ये वाला 5 हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जब देख रहे हैं तो 5 से भाग करते हैं 8 में तो एक बार में यहाँ पे डिवाइड होता है, ठीक है। डिवाइड होता है तो शेषफल यहाँ पर कितना बचता है, यहाँ पर शेषफल बचता है रिमाइंडर 3, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 8 में से 5 घटा लेंगे, 8 में से 5 घटा लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमको, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, यही आ जाएगा हमारा आंसर। और कुछ नहीं करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, यही हो गया हमारा आंसर 3। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, बीच में गुना का चिन्ह है, ठीक है। इन सबको गुना करने में बहुत समय लग जाएगा, काफी समय लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे इन सब में। आप कोई भी अंक यहाँ पर रख सकते हैं, 7 8 9 10 जो आपको इच्छा हो रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रखा है 7, अब यहाँ पर भाग कीजिए, शेषफल कितना आएगा, यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 1, ठीक है, 1 शेषफल आ जाएगा। अब यहाँ पर जब भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 यहाँ पर शेषफल आ जाएगा और यहाँ पर शेषफल आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1। अब यहाँ पर देखिए बीच में गुना का चिन्ह है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, गुना करेंगे ऊपर वाले को, ऊपर वाले को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना आ जाएगा गुणनफल 4 बटे यहाँ पर 7 है, हम 7 लिख लेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे 7 से भाग 4 में नहीं लगेगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमको R इक्वल टू शेषफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी प्रकार से इसमें देखिए यहाँ पर भी क्या है, गुना का चिन्ह है तो क्या करेंगे हम, 9 से भाग करेंगे इसमें। जब 9 से भाग करेंगे इन सब में बारी बारी से तो शेषफल क्या आएगा, 100 देखिए शेषफल आ जाएगा हमको यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, बीच में गुना है तो यहाँ पर ऊपर में भी क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे, गुणनफल कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, 8/9। अब यहाँ पर देखेंगे 9 से भाग लगता है 8 में, नहीं लगता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर
r इक्वल टू 8 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस वीडियो में सारे डाउट्स आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए तब यहाँ पर क्या है, 11 से भाग करना है इन सब में, तो 11 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा शेषफल, यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 हम लिख लेंगे, 1 शेषफल आया। यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। सबको गुना करेंगे ऊपर वाले को तो कितना जाएगा, 4/11। तो यहाँ पर r इक्वल टू कितना होगा, 4 हो जाएगा। रिमाइंडर हमारा 4 हो जाएगा। यही होगा आंसर, ठीक है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर भी हमको कुछ नहीं करना, वही प्रोसेस जो ऊपर में किए। 15 से भाग करेंगे 61 में, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर शेषफल 2 आएगा, यहाँ पर शेषफल 2 आएगा और यहाँ पर शेषफल 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर गुना करेंगे तो आ जाएगा हमको 8/15। अब देखिए यहाँ पर क्या 15 से भाग लगता है 8 में, नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर और कुछ नहीं बस। अब इसमें देखिए यहाँ पर 11 से भाग करना है 55 में, 68 में, 79 में, 89 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भाग करते हैं 11 से 55 में तो शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है 0, यहाँ पर शेषफल आता है 2, यहाँ पर शेषफल आता है 2 और यहाँ पर शेषफल आता है 1। तो अब यहाँ पर देखिए सबको गुना करेंगे ऊपर वाले को, सबको गुना करेंगे ऊपर वाले को तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0/11। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमको 0। यही होगा आंसर 0, ठीक है। हमको क्या देखना है स्टार्टिंग में, क्या कहीं पर भी 0 आ रहा है शेषफल, यदि 0 आ जाता है तो आपको किसी और अंक में भाग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्ट लिख देना है 0, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ भी आएगा बाकी में तो 0 से गुना करेंगे तो 0 कर देगा सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, इसमें देखिए जब 65 से भाग करेंगे इसमें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 यहाँ पर शेष आ जाएगा। शेष क्या रहा है यहाँ पर, माइनस में, यहाँ पर कितना आया, -1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 गो में प्लस आ रहा है और बाकी 2 गो में माइनस आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, जब यहाँ पर गुना करेंगे, प्रोसेस हमको वही है, केवल यहाँ पर जब गुना करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, गुना प्लस हो जाता है, ठीक है। तो सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4/65, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही होगा हमारा आंसर 4। अब इसमें देखिए यहाँ पर जब भाग करेंगे तो कितना है शेषफल, -2 और यहाँ पर आ जाएगा 0। 83 से भाग करेंगे, 83 में शेषफल 0 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखिए जब गुना करेंगे 0 से इन सब में तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0/83। तो यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही होगा आंसर। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगले वीडियो में क्या बताएंगे आपको बता देता हूँ। अगले वीडियो जब आएगा तो उसमें आपको बताएंगे कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जब किसी भी अंक को गुना करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जब गुना करेंगे तो उसमें शून्यों की संख्या कितना आएगा वो हम आपको मेथड बतलाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न पे हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए जब 83 से भाग करेंगे 81 में तो हमको यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 2। इसको जब गुना करेंगे हम तो क्या आ जाएगा,
यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस जाता है तो सबको गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमको 4/83। तो यहाँ पर रिमाइंडर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही होगा हमारा आंसर। अब अगला प्रश्न में देखिए क्या है, अगला प्रश्न में सारा डाउट हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या होता है, माइनस का यहाँ पर 4 आता है, ठीक है। माइनस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिमाइंडर शेषफल होगा। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस 2 होगा, और यहाँ पर माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखिए जब इन सबको गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 तीन बार माइनस माइनस से गुना करना है तो क्या होता है, माइनस में आता है। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमको -8, ठीक है, -8/127। अब देखिए शेषफल यहाँ पर जब माइनस आया तो क्या करेंगे, हम 127 में से घटा लेंगे, आर इक्वल टू 127-8, क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 119, यही हो जाएगा हमारा आंसर 119, ठीक है, 119 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो क्या करेंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो पहले देखना क्या है कि क्या दो सेम अंक से डिवाइड हो रहा है कोई, तो हाँ 85 हो रहा है और 68 हो रहा है 17 से। जब यहाँ पर 17 से भाग करेंगे 85 को तो कितना आ जाएगा, 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, 85 17 5 होता है 85, और 17 चौका होता है 68, यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से लिख लेंगे, ठीक है, सुविधा के लिए। तो 37 × 96 × 4 × 106/5। अब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 से जब डिवाइड करेंगे 37 में तो शेषफल आ जाएगा 2, 5 से भाग करेंगे 96 में शेषफल आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा -1, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए जब सबको ऊपर वाले को गुना करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, -2/5। अब यहाँ पर देखिए -2/5 आया तो क्या करेंगे, 5 में से 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5। अब देखिए यहाँ पर क्या था, हमको 85 था प्रश्न में, तो हमको 85 अब लाना है। तो 85 लाने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से हम 5 में गुना कर देंगे 17 से, क्योंकि 17 से ही भाग किए थे तो 17 से गुना कर दिए तो कितना आ गया, आप 17 होता है 51, 51/17 5 होता है 85। तो यहाँ से हमको आर इक्वल टू रिमाइंडर से फल इक्वल टू कितना आ गया, 51 आ गया, यही हो गया हमारा आंसर। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में आपको बताएंगे शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, और इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।